नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में एक छात्रा को लगातार परेशान करने वाला शहदा आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया। दरअसल करण बर्मन नाम का यह 25 वर्षीय युवक एक कॉलेज जाने वाली छात्रा को रोजाना परेशान करता था। छात्रा और उसके परिजनों ने इस दौरान उसे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार थक हार कर कोडराइड पुलिस से मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। कल कोडेड ऑफिस में एक कॉलेज की छात्रा की शिकायत मिली थी कि वो उसको एक मोटरसाइकिल ब्लू कलर की लिबो में कोई लड़का फॉलो करता है और रास्ता रोक के उसके साथ में अश्लील टिप्पणी करता है। तो वो उसने उसको समझाई कि आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, तो वो माना नहीं। उसकी हद इतनी बढ़ गई कि वो उसके घर तक पीछा करते हुए जाने लगा। फिर उसने अपने पेरेंट्स को बताया, तो उसके पेरेंट्स ने भी जब वो घर के बाहर खड़ा रहने लगा तो उसको डांटे समझाए, लेकिन वो उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर उन्होंने तत्काल कोडेट को शिकायत की और उसकी शिकायत पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस लड़के को सोहदे जो है वो क्रेसर बस्ती बाजनामठ चौक का रहने वाला है, तो उसको घेराबंदी कर बाजनामठ चौक से तलब किए और कार्रवाई हेतु थाना तिलवारा लेकर गए। जबलपुर महापौर स्वाति गोडबोले ने मदन महल वार्ड के वेदीनगर में 24 लाख की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद लोचन साहू, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष राजकुमार मेहता भी उपस्थित थे। 20 वर्षों से रोड को लगातार गड्ढे और उसके कारण लोगों को कीचड़ से बारिश में बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। आज मेरे प्रयासों से, लगातार 6 महीने से प्रयास कर रहा था इस रोड के लिए, आज महापौर जी के द्वारा उस रोड से भूमि पूजन किया गया। 14 लाख की लागत से बनने वाली ये सड़क सीसी रोड है, सीमेंटेड सड़क है। क्षेत्रीय पार्षद आदरणीय श्री लोचन साहू जी ने लगातार इसके लिए प्रयास किए और क्षेत्र की जनता की भी मांग रही कि ये रोड बने, ताकि शारदामाई मंदिर तक जाने के लिए जो ये रोड थी, कहीं ना कहीं बड़ी ख़राब रोड थी। बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता था। आज इसका भूमि पूजन हुआ है। जबलपुर के महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी में पिछले एक साल से सीवर लाइन का काम रुका हुआ है, जिसके कारण यहां के रहवासियों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद वार्डवासियों ने वित्त मंत्री को शिकायत की। इसको देखते हुए वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कार्य को जल्दी कराने को लेकर अधिकारियों का अवगत कराया और अब तक एक माह के अंदर बचा हुआ सीवर कार्य बहुत जल्द पूर्ण करने की बात कही। यहाँ पे क्या है, करीब 1-1.5 साल हो रहा है तभी से ये रोड का काम चालू है और ये खुदाई होने के कारण आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। पाइपलाइनें भी टूट रही हैं पानी की, तो उसके कारण पानी की परेशानी भी हो रही है लोगों को। छोटे छोटे बच्चे ये गड्ढे होते हैं तो उनमें आते जाते गिरते भी हैं, तो उनको भी चोटें लगती हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री तरुण भानोट जी, मध्य प्रदेश वित्त मंत्री, वो आए हुए थे, सभी अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने बोला और आज बहुत ही गति से सीवर लाइन का कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि एक आध माह के अंदर महाराणा प्रताप वार्ड में जितनी भी सीवर लाइन का कार्य बचा हुआ है वो पूर्ण रूप से संभव है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।